रुचिवर्धन पहुंची जीतू सोनी के बंगले पर और चल रही है कार्रवाई और निरीक्षण किया जा रहा है। तो निरीक्षण करने के लिए पहुंची है रुचिवर्धन। इंदौर एसएसपी रुचिवर्धन जीतू सोनी के बंगले पर पहुंची है मुआयना करने के लिए और जिस वक्त वो पहुंची थी उस वक्त की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ में पूरा प्रशासनिक अमला भी उनके साथ में था। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता विकास सिंह सोलंकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, एसएसपी रुचिवर्धन बंगले पर पहुंची थी, उनके साथ में कौन कौन और मौजूद था, निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्या क्या चीजें गौर की? जी बिल्कुल, जैसा कि जो जीतू सोनी फरार है उसको लेकर आज नगर निगम द्वारा जीतू सोनी के चार ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। अगर बात करें डांस बार माया होम की, होटल वेस्ट वेस्टर्न की, ओटू बार की और उनके निवास स्थान कनाडिया रोड पे जो कि नजूल की जमीन पर बनाया गया था उसको लेकर लगातार जो है निगम की टीम जो है कार्रवाई कर रही है, जो अवैध हिस्से उन्हें तोड़े जा रहे हैं। इसी को लेकर एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने कनाडिया रोड स्थित जो उनका बंगला है जहाँ कार्रवाई चल रही थी वहां का निरीक्षण किया। जिस तरह से नजूल की प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था उनकी जो बाउंड्री वॉल थी उसको पूरा धराशायी कर दिया गया है। वहीं उनके जो बंगला है उसके आगे के हिस्से पर भी जो है नगर निगम की टीम अभी कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार उनकी तफ्तीश कर रही है। ऐसे ही आज सुबह गुरुवार तड़के नगर निगम यहाँ पर पहुंची और जो माया होम है, जो डांस बार है इंदौर के अंदर एक लोता, उस पर भी यहाँ पर कार्रवाई बड़ी कर दी गई है और पूरा तीतर बीतर यहाँ पर जो है माया होम हो, होटल वेस्टर्न हो या उनका ओटू बार हो या उनका निवास हो, चारों ही ठिकानों पर लगातार जो है नगर निगम की कार्रवाई जारी। आपको बता दें कि भारी पुलिस बल के बीच में यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम है, एडीएम है, वो भी मौके पर मौजूद है। वहीं अगर बात करें नगर निगम की ओर से तो अलग अलग चार ठिकानों पर कार्रवाई में अलग अलग अपर आयुक्तों को निर्देशित किया गया है। वहीं अगर बात करें इंदौर कलेक्टर और एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र चारों ही जगह पर नजर बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम बड़ी कार्रवाई कर रही है और अभी तक उनके जो है उनके ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास। अगली खबर आपको दिखा रहे हैं जहां इंदौर प्रशासन ने जीतू सोनी पर शिकंजा कस दिया है और उनके तीन ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा कनाडिया में उनके घर पर भी कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण की पुष्टि होने के बाद साउथ तुकोगंज के होटल बेस्ट वेस्टर्न पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। नगर निगम ने होटल का अवैध हिस्सा तोड़ दिया है। कल रात को होटल खाली कराया गया था। माय होम्स रेस्टोरेंट और डांस बार पर भी निगम कर्मचारियों और पुलिस बल की उपस्थिति में कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन मामलों पर फरार जीतू सोनी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। और इसी बीच अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त नगर निगम की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। और एक तस्वीर में आप देखिए कि प्रशासन का अमला मौके पर मौजूद है और आसपास लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी, लेकिन एहतियात बतौर प्रशासन ने उन्हें थोड़ा दूर रहने के लिए निर्देशित किया। और साथ में दूसरी एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर बंगले की है और दूसरी होटल की तस्वीर है। तो दोनों ही ठिकानों पर नगर निगम की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। होटल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है और दूसरी उनके बंगले की एक तस्वीर है जहां पर एक हिस्सा, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा वो नहीं है, बहुत छोटा सा हिस्सा बंगले का धराशायी किया गया है। और जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि एसएसपी रुचिवर्धन मौके पर पहुंची और जायजा ले रही है कि नगर निगम की कार्रवाई किस तरीके से अंजाम दी जा रही है।